साउथ अफ्रीका में होने वाले वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा चोट की वजह से नहीं खेल रहे हैं और केएल राहुल को कप्तानी दी गई है। 31 दिसंबर की रात को जब लोग नए साल के स्वागत की तैयारी में थे, उस वक्त भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम का ऐलान किया। लेकिन खास बात ये रही कि विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाने के फैसले पर भी सवाल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली और रोहित शर्मा के विवाद को लेकर सवाल हुआ कि क्या अब वक्त आ गया है जब दोनों को आमने सामने बैठाकर बात करनी चाहिए। इस पर चेतन शर्मा ने कहा है कि दोनों के बीच सब कुछ बढ़िया है, हम उनके साथ बात करते हैं तो काफी मजा आता है, सिर्फ कयासों पर मत जाइए, दोनों के बीच शानदार तरीके से प्लानिंग होती है। चेतन शर्मा ने बताया है कि दोनों खिलाड़ी एक परिवार है, टीम की तरह बात करते हैं। विवादों को 2021 में छोड़ दीजिए, 2022 में सिर्फ टीम को बेस्ट बनाने पर कोशिश होनी चाहिए। दोनों ही खिलाड़ी सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर खुलकर बात करते हैं। आपको बता दें कि लंबे वक्त से विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच विवाद की बातें सामने आ रही हैं। जिस तरह विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाया गया, इसके बाद ये विवाद और भी बढ़ गया था। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए जब टेस्ट टीम का चयन हुआ, उसी वक्त जानकारी दी गई कि विराट कोहली वनडे टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। इससे पहले भी वक्त वक्त पर दोनों के बीच अनबन की खबरें आती रही हैं। हालांकि जब दोनों से इसको लेकर सवाल होते हैं तो अक्सर वह मुस्कुरा देते हैं। विराट कोहली ने भी कहा था कि मुझ में रोहित में कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2.5 साल से इस बात को कह रहा हूँ। आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।